कराची में डाकुओं ने एक और घर उजाड़ दिया। न्यू कराची अल्लावाला स्टॉप पर डकैती मजाहमत पर अमान नामी शहरी जहाँ बहक। मकतूल अमान चप्पल का कारोबार करता था और अमान के चार बच्चे थे। अमान के वालिद और चचा शादी में शिरकत के लिए हैदराबाद गए थे। शादी से वापसी पर न्यू कराची में 2 मिनट चुरंगी में वाकई अपने आबाई घर पहुँचे और अमान को फ़ोन किया कि वहाँ से हमें आकर ले जाओ। अमान अपने वालिद और चचा को मोटरसाइकिल पर घर लेके जा रहा था कि जब अल्लावाला स्टॉप पर डाकुओं ने अमान को रोकने की कोशिश की। मज़ाहमत पर डाकुओं ने अमान पर फायर कर दिया। सीने में गोली लगने की वजह से अमान जहाँ भाग हो गया। मकतूल अमान 6 बहन भाइयों में सबसे बड़ा था। तरफ नाजमाबाद के इलाके ब्लॉक ए में डकैती मुजाहमत पर फायरिंग हुई जिसमें 40 साल उम्र नामी शख्स जख्मी हो गया जिसे अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। इसी तरह नागन चोरंगी के करीब डकैती मुजाहमत पर 22 साल सज्जाद जख्मी हो गया। कराची में रात गए डकैती के दौरान मुजाहमत पर 2 अफराद कत्ल हो चुके हैं। न्यू कराची में डाकुओं की फायरिंग से अमान नामी नौजवान कत्ल हुआ। सरजानी टाउन में डाकुओं से मुजाहमत पर 30 साल अमजद जहाँ भाग हुआ। रवां साल डाकुओं ने 77 से ज़ायद अफराद को मुजाहमत पर कत्ल किया है।